स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दिया है मैंने उसका प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने बिल ऑफ क्वांटिटी के प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। साथ के साथ सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए जो कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी का खजाना कोर्स, में हम एस्टिमेशन पार्ट की बात करते हैं, पूरा बिल्डिंग का आपको सॉल्व आउट कराना कि कैसे किसी भी बिल्डिंग का बजट निकाल सकते हैं हम, ये सारा पार्ट एस्टिमेशन पार्ट में कवर अप किया गया है। बार बेंडिंग शेड्यूल, जिसमें कंप्लीटली कवर किया गया है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रीड आउट करने के बाद सभी स्ट्रक्चरल मेंबर का कटिंग लाइन निकालना, उसका बिल ऑफ स्टील बनाना, ये कंप्लीटली कवर किया बार बेंडिंग शेड्यूल में। इसके बाद क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस, जिसमें कंप्लीटली किसी भी बिल्डिंग मटेरियल्स के एक एक आइटम का मटेरियल निकालना, उसकी क्वांटिटीज फाइंड आउट करना, उसका रेट फाइंड आउट करना एज पर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये सारा क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस में हम सिखाते हैं। कंप्लीटली एक एक पार्ट यहां पर डिजाइन किया गया है आपके लिए एकदम सीक्वेंस में। देखिए हम सीखते तो जरूर हैं, लेकिन सीख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में कहीं भी अवेलेबल नहीं। लेकिन सिविल गुरुजी ने सिविल गुरुजी एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सिविल गुरुजी वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसमें कंप्लीटली आप लोगों के लिए ये सारी चीजें सीक्वेंस में अवेलेबल है। बिलिंग पार्ट, जिसमें कंप्लीटली तीन तरह के बिल फॉर्मेट की आइटम वाइज बिलिंग, बिल्डर का बिलिंग कैसे बनाते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की हम जब गवर्नमेंट का वर्क करते हैं तो उसमें बिल कैसे बनाएंगे, और साथ में कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाना भी एक बिलिंग इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके लिए स्लैब रेट बिलिंग कैसे बनाना होता है वो कंप्लीटली आप लोगों को सिखाया गया है। इसके अलावा रिकंसिलेशन प्राइस एस्केलेशन, मतलब मुझे अपने प्रोजेक्ट का ऑडिटिंग करना हो, उसका कंप्लीटली पार्ट हमने रिकंसिलेशन पार्ट में लाए हैं हम आप लोगों के लिए। साथ के साथ इतना ही नहीं, इसके अलावा कंप्लीटली चार सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड जिसमें सबमिशन ड्रॉइंग अकॉर्डिंग टू वास्तु प्लानिंग, रैबिट आर्किटेक्चर जिसमें 3D एलिवेशन, क्लाइंट को घर बनने से पहले हम बता देंगे कैसा उसका फ्रंट व्यू होगा, तो वो सारी स्किल्स रैबिट आर्किटेक्चर। इसके बाद ईटेफ सॉफ्टवेयर, जिसमें कंप्लीटली स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग और एनालिसिस, मेरे बिल्डिंग में M25 कॉन्क्रीट दिया है मेरे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इंजीनियर ने, क्यों M25 कंक्रीट क्यों लगाना है हमको, ये सारी एनालिसिस उसकी डिजाइनिंग करना वो ईटेफ सॉफ्टवेयर सिखाता है हमको। साथ में लास्ट सॉफ्टवेयर जिसकी मैं बात करूंगा MSP, मतलब मेरे पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट को शेड्यूल कर सकूं, मैं प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर सकूं, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम सारा ये शेड्यूलिंग पार्ट करते हैं। दोस्तों इतनी सारी स्किल्स होती हैं एक सिविल इंजीनियर के लिए, ये सिविल इंजीनियर की एक लाइफ में एक जॉब पाने से लेकर उसके ग्रोथ तक ये हेल्प करती है। यदि हम ये स्किल्स तो किसी भी तरह का हमारी लाइफ में फाउंडेशन पार्ट नहीं होगा। दोस्तों लॉकडाउन होने के कारण आप लोगों के लिए इस कोर्स में बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए इस कोर्स के 4 गुना फीस को कम कर दिया गया। मतलब जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है वो 36,000 रुपीज का कोर्स है, लेकिन आप लोगों के लिए 9,000 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो गुरुजी का खजाना कोर्स है, जिसमें आपको टेंडर भी सिखाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर, एक प्रोक्योरमेंट, एक इंजीनियर डेजिग्नेशन होती है हमारे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, वो वाला पार्ट भी एड ऑन है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग जब मिलके बनता है गुरुजी का खजाना कोर्स, जिसमें की फीस है 52,000, लेकिन आप लोगों के लिए मात्र 13,000 रुपए में वाला कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपको करना क्या है, गुरुजी कूपन कोड लगाना है आपको, अपने अप्लाई करना है गुरुजी कूपन कोड लगा के, और आपको ये कोर्स मात्र 13,000 रुपए में, गुरुजी का खजाना कोर्स और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स मात्र 9,000 रुपए में प्रोवाइड होगा। साथ के साथ ऐसे इंजीनियर जो इसको EMI पैटर्न में चाहते हैं, EMI भी अवेलेबल है। कॉल कीजिए 9111001234 पे कॉल करो, या डायरेक्टली आप EMI पैटर्न के पे भी जा सकते हैं। अगर आपको और कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर कंप्लीटली जाकर आप जान सकते हैं कि किस तरह से आप इस कोर्स में एनरोल होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में कंप्लीटली मैं आप लोगों को इन्हीं स्किल्स से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक, जो कि बिल ऑफ क्वांटिटी वाला पार्ट है, वो कवर अप करूंगा, जिसमें कंप्लीटली आप जानेंगे कि बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाते हैं, क्योंकि एक फ्रेशर इंजीनियर कभी भी अपने कॉलेज में नहीं सीख पाता। यदि आप इस बात को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस जरूर लिखिएगा, जिससे मैं समझ पाऊं कितने लोग नहीं जानते इस बिल ऑफ क्वांटिटी वाले पार्ट को। इस वीडियो से पहले कितने लोगों ने सुना तक नहीं था नाम, जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। आइए चलते हैं यहां पर और समझते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी वाला फॉर्मेट कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम फॉर्मेट को रेडी करते हैं, कैसे अपने बिल को लिखते हैं अपने बिल ऑफ फॉर्मेट शीट में। आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों बिल ऑफ क्वांटिटी शीट जानने से पहले हम पहले जानते हैं एस्टिमेशन शीट के बारे में। एस्टिमेशन शीट मतलब जिसमें हम अपने ड्राइंग का डाटा सॉल्व आउट करने के बाद उस ड्राइंग के डाटा को एक्सट्रैक्ट किया हमने ड्राइंग से और लिखा कहां पे, एस्टिमेशन शीट के अंदर।
एस्टिमेशन शीट का फॉर्मेट एकदम सेम रहता है, जैसा कि पीडब्ल्यूडी जो बुक इश्यू कराता है मेजरमेंट बुक, उसी के फॉर्मेट के आधार पे ये एस्टिमेशन शीट में हम डाटा पुटअप करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि ये ड्राइंग है मेरे पास, इस ड्राइंग के ऊपर एक वीडियो जो कि मैं आज शाम को इवनिंग में एक वीडियो लाने वाला हूं, उस वीडियो को आप देखेंगे तो उस वीडियो में कंप्लीटली इस ड्राइंग को सॉल्व आउट करना सिखाऊंगा और बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना भी सिखाऊंगा आपको, तो इवनिंग में वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अब इस वाले शीट में आप देखेंगे कि यहां पर लिखा है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन आइटम, नंबर ऑफ आइटम, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल और यूनिट। तो क्या करते हैं हम, जब भी हम ड्राइंग सॉल्व आउट करते हैं, ड्राइंग सॉल्व आउट करने के लिए हमको मोड ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। मोड ऑफ मेजरमेंट कंप्लीटली अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो अलग अलग फॉर्मेट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एरिया कैलकुलेट करना होता है मोड ऑफ मेजरमेंट में, वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, या फिर आपको नंबर पर पीस जिसको इन्यूमरेटेड क्वांटिटी बोलते हैं, या रनिंग मीटर लेंथ निकालनी होती है, या मेटल कोई आइटम होता है मेटल रिलेटेड आइटम उसको आपको केजी में वेट निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने साइट क्लीनिंग एक आइटम है, किसका आइटम है, बिल्डिंग आइटम है एक यहां पर, तो बिल्डिंग आइटम के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हम समझते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का पहला आइटम होता है साइट क्लीनिंग, सेकंड एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी, फुटिंग कंक्रीट, फुटिंग कंक्रीट का फुटिंग शटरिंग, देन पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट, पेडेस्टल कॉलम शटरिंग, बैक फिलिंग, इस तरह से ये आइटम्स होते हैं बिल्डिंग आइटम्स। अब इनके जो हम सॉल्यूशन करते हैं एस्टिमेशन शीट में वो अलग अलग मोड ऑफ मेजरमेंट जैसा कि मैंने बताया था उस फॉर्म में होता है। जैसे साइट क्लीनिंग, तो साइट क्लीनिंग की मोड ऑफ मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर मतलब एरिया में, तो एरिया मतलब दो डायमेंशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया में आंसर आएगा, दैट इज लेंथ और विड्थ की हमने मल्टीप्लाई की, मतलब मुझे क्या चाहिए, प्लॉट का लेंथ और प्लॉट का विड्थ चाहिए मुझको। सेम एक्सकवेशन, एक्सकवेशन क्या है, मतलब तीन डायमेंशन, क्यों तीन डायमेंशन, क्योंकि लेंथ विड्थ तो है ही एक्सकवेशन की, डेप्थ भी है, तभी तो हम वहां से एक्सकवेट करेंगे बिलो द ग्राउंड लेवल। तो आप लोग देखेंगे लेंथ, विड्थ और हाइट। अब यहां पर आप नंबर ऑफ आइटम देख रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ आइटम मतलब आपने उस काम को कितनी बार किया है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ आइटम। जैसे साइट क्लीनिंग, तो साइट क्लीनिंग आपने एक बार करा है। अब यहां पे एक्सकवेशन मतलब F1 यहां पे आपने जो प्रोवाइड किया है वो 16 आपके नंबर ऑफ आइटम किसमें दिए हैं, ड्रॉइंग में दिए हुए थे, इसलिए 16 लिया यहां पर। अब ये कंप्लीट कंसिडरेशन यहां पर किया जाता है एस्टिमेशन शीट के अंदर। एस्टिमेशन शीट में हम कंप्लीटली डाटा फिलअप करते हैं, डाटा फिलअप करने के बाद डायरेक्टली आपको बिल ऑफ क्वांटिटी में नहीं जाना है, उससे पहले आपको जाना है एब्स्ट्रैक्ट शीट में। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट शीट टोटली डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर, मतलब आपने किस तरह से वर्क करवाया। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अर्थ वर्क, सीमेंट कंक्रीट वर्क, इसके बाद रेनफोर्समेंट, फॉर्म वर्क, ब्रिक वर्क, ये क्या है, एक वर्क है, ये वर्क ऑर्डर एक्चुअल में। अब एस्टिमेशन में क्या, आइटम के अकॉर्डिंग हम भरते हैं, लेकिन यहां पर एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग भरते हैं जो कि शेड्यूल ऑफ रेट में हमें प्रोवाइड किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवर्क, अर्थवर्क में कौन कौन से बिल्डिंग आइटम आए, साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, एक्सकवेशन में दो आइटम अप टू 1.5 और अबव 1.5 मीटर, सैंड फिलिंग, बैक फिलिंग और प्लिंथ फिलिंग, इतने आइटम आपके आए अर्थवर्क के वर्क ऑर्डर में। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे एस्टिमेशन शीट में, तो साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग के बाद आप देखेंगे वहां पे आया था बैक फिलिंग, तो बैक फिलिंग ये आ गया यहां पे, साथ में प्लिंथ फिलिंग भी आया, तो प्लिंथ फिलिंग हमने नीचे सॉल्व आउट किया हुआ है, तो नीचे आप देखेंगे प्लिंथ फिलिंग का डाटा हम यहां से एडॉप्ट करके कहां लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट शीट में, जैसा कि हमने यहां लिखा 100.432, तो यहां भी 100.432 क्यूबिक मीटर। ये एब्स्ट्रैक्ट शीट में हमें क्या करना होता है, पुटअप करना पड़ता है डाटा। उसका सीमेंट कॉन्क्रीट, अब देखिए पूरे बिल्डिंग में जितनी भी जगह मैंने सीमेंट कॉन्क्रीट, चाहे वो प्लेन हो, रेनफोर्स्ड हो, सबको मुझे यहां पर क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट शीट में पुटअप करना होता है। सेम रेनफोर्समेंट, फॉर्म वर्क, ब्रिक वर्क, ये सभी डाटा मुझे क्या करना होता है, पुटअप करना पड़ता है अपने एब्स्ट्रैक्ट शीट में। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर्मेट है। बिल ऑफ क्वांटिटी में आप देखें यहां पर, तो ये जो फॉर्मेट ओपन किया है ये है बिल ऑफ क्वांटिटी, मतलब हमें क्वांटिटी जितनी हमने फाइंड आउट की है कहां पर, एस्टिमेशन शीट में, उनका समराइज डाटा लिख दिया हमने एब्स्ट्रैक्ट शीट में, अब उनका हमें बनाना है बिल। अब बिल किसके अकॉर्डिंग बनता है, देखिए बिल बनाने के लिए दो चीजें आपको बताता हूं मैं क्लियरली। देखिए क्या होता है, एक होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट का वर्क कर रहे हैं और गवर्नमेंट में अथॉरिटियां अलग अलग अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी यहां पर मैं लेकर चलता हूं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट बनाती है, जो दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर ऑल ओवर इंडिया उनका रेट क्या चलता है, फॉलो होता है, हर जगह सेम रेट उनका फॉलो रहेगा जो उन्होंने रेट डिसाइड कर दिया दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट के अकॉर्डिंग। क्या होता है, जितनी भी नीतियां होती हैं, जितने भी जो है कानून बनते हैं, सब दिल्ली से बनते हैं। सेम सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी दिल्ली में क्या है, एस्टेब्लिश है। पीडब्ल्यूडी का कोई वर्क है, फॉर एग्जाम्पल आपके महाराष्ट्र में कोई आपका वर्क निकला, सीपीडब्ल्यूडी के अंडर वर्क हो रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क आता है, तो आपको जो फॉलो करना है वो वही सीपीडब्ल्यूडीएसआर फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एमपी में वर्क लिया और एमपी में वर्क आपका है, टेंडर लिया आपने किसका, सीपीडब्ल्यूडी का, सेंट्रल के अंडर आपने वर्क कर रहे हैं, तो आपको सेम वही डीएसआर फॉलो करना रहेगा। लेकिन
यदि आप स्टेट पीडब्ल्यूडी का वर्क कर रहे हैं तो आपको स्टेट पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल ऑफ रेट आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप जो है महाराष्ट्र में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल ऑफ रेट फॉलो करना पड़ेगा। आप सेंट्रल का शेड्यूल ऑफ रेट जिसको डीएसआर बोलते हैं, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, तब फॉलो करेंगे जब सेंट्रल का आपको वर्क मिलेगा, तब आपको फॉलो करना है। अब आप लोग देखें यहां पर, यहां लिखा है बिल ऑफ क्वांटिटी, तो बिल ऑफ क्वांटिटी में क्या लिखा है यहां पर, नेम ऑफ वर्क, आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो आपको यहां पर लिखना होता है, इंजीनियर नेम जो इसको सॉल्व कर रहा है बिल ऑफ क्वांटिटी को वो यहां पर नेम लिखेंगे, और टेंडर अमाउंट आपका वर्क का अमाउंट कितना आया वो यहां पे आपको लिखना है। अब आप लोग देखेंगे कि यहां पर मैंने सॉल्व किया था अर्थवर्क, और अर्थवर्क में क्या क्या आया था, साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन दो पार्ट में, सैंड फिलिंग, बैक फिलिंग और प्लिंथ फिलिंग। तो आप लोग देखेंगे अर्थवर्क यहां पे मैंने सॉल्व किया, ये कोड नंबर है, कोड नंबर कहां से आया, एसओआर से। शाम को जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ये वाली ड्राइंग जो आपको मैंने अभी दिखाई थी वाली ड्राइंग सॉल्व आउट करूंगा, जिसमें लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम, उसमें आपको शेड्यूल ऑफ रेट भी पढ़ना सिखाऊंगा कि शेड्यूल ऑफ रेट किस तरह से पढ़ते हैं। साथ में अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में तो हमने कंप्लीटली ये इन सभी तरह की ड्रॉइंग की, पूरे प्रोजेक्ट की ड्रॉइंग जो होती है, चाहे वो फुटिंग की ड्रॉइंग हो, एक्सकवेशन डिटेल हो, चाहे वो ग्राउंड बीम डिटेल हो, चाहे वो प्लिंथ फिलिंग डिटेल हो, सुपरस्ट्रक्चर डिटेलिंग, स्लैब बीम डिटेलिंग, इसके अलावा आपका फ्लोर प्लान जिसमें हम अलग अलग पोजीशन पे टाइल्स, ग्रेनाइट या मार्बल लगाते हैं, उसकी ड्राइंग होती है, डोर विंडो ड्राइंग, इतने सारे ड्राइंग को सॉल्व आउट कराते हैं, वो भी सीक्वेंस में, अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाना कोर्स आप जाके विजिट कर सकते हैं www.civilguruji.com या एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, टाइप करना है सिविल गुरुजी, सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन दिखेगी। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 9111001234। अब देखिए यहां पर ये कोड नंबर दिए गए हैं, ये तो कोड नंबर में क्या लिखा है, सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इंक्लूडिंग रिमूविंग वेजिटेशन एंड मेकिंग अ पंडुलेशन एंड इनइक्वालिटीज नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर इन डेप्थ, हाइट इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ रविश अप टू 1.5 मीटर, लिफ्ट एंड लीड अप टू 50 मीटर, एटलीस्ट 5 मीटर अवे फ्रॉम द ड्रेस्ड एरिया। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, यहां पर कहीं पर आपको साइट क्लीनिंग लिखा हुआ मिला क्या? कहीं पर आपको साइट क्लीनिंग लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन ये पैसा साइट क्लीनिंग का, तो ये हमको सीखना होता है कि किस तरह से हम शेड्यूल ऑफ रेट में पढ़ते टाइम हम कैसे अपना जो हमने आइटम कैलकुलेट किया है, जिस आइटम का हमको रेट चाहिए वो कहां लिखा हुआ है, हमें केवल ये पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद ही हम इजीली हम बिल ऑफ क्वांटिटी बना सकते हैं। तो ये जो डाटा दिया है साइट क्लीनिंग का, कैसे दिया जरा समझिए, सरफेस को क्या करना है, ड्रेस करना है, ग्राउंड में जितना वेजिटेशन है, जितना अंडुलेशन है, उसको रिमूव करना है, इनइक्वालिटीज जो है, इनइक्वालिटीज मतलब उबड़ खाबड़ जमीन हमारी, उसको 15 सेंटीमीटर तक हम क्या कर देंगे, साफ कर देंगे, जितना रविश मटेरियल उसको उठा सकते हैं 1.5 मीटर, लिफ्ट मतलब उठाना, और 50 मीटर दूरी तक उसको फेंकना, और 5 मीटर तो कम से कम फेंकना ही पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्वांटिटी में लिखा 287.1, आप लोग देखिए एब्स्ट्रैक्ट शीट में कितना है आंसर, 287.1, आप लोग देखिए एस्टिमेशन शीट में भी आपको दिखा देता हूं अभी मैं, 287.1 ये स्क्वायर मीटर में हमारा आंसर आया था। सेम बिल ऑफ क्वांटिटी में यूनिट लिख दिया हमने स्क्वायर मीटर, रेट हमारे एसओआर में दिया था 7.2, तो 7.2 ही हमने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। फॉर एग्जांपल 9 रुपए होता तो 9 लिख के मैं यहां पर देखिए आंसर हमारा यहां पे इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पे मैंने पहले से ही फॉर्मूला पुट अप किया हुआ है, तो इसका इशू नहीं होता। रेट अगर ज्यादा मिल रहा है तो रेट हम ज्यादा यहां पर कर सकते हैं, बस हमें पुट करना है अपना रेट को। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी ज्यादा आ गया तो आपको क्या करना है, यहां पर 300 आ गया आपका क्वांटिटी, तो एंटर कर दिया, देखिए रेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो ये टोटली आपका यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड हम यहाँ पे एक्सेल शीट बनवाते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली एक्सेल शीट आपको मैं यहाँ पर अभी भी कह रहा हूं दूंगा नहीं, एक्सेल शीट आपको बनाना सिखाता हूं कंप्लीटली कोर्स में, क्योंकि ये एक्सेल शीट देने से आपका फायदा नहीं होगा, एक्सेल शीट को बनाने से आपका फायदा होगा। अब इसके बाद एक्सकवेशन की डिटेलिंग देखिए, एक्सकवेशन दो पार्ट में सॉल्व किया है, एक तो 1.5 मीटर तक और एक आपका 1.5 मीटर से अबव, क्यों, क्योंकि जितने भी शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं या आईएस 1200 का पार्ट नंबर 1 जो कि एक्सकवेशन के लिए कंप्लीट डिटेल में दिया गया है, उसमें साफ साफ कहा है कि आपको एक्सकवेशन को 1.5 मीटर तक एक पार्ट सॉल्व करना, 1.5 मीटर से अलग पार्ट सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि जितना हम नीचे जाएंगे उतना सॉइल का स्ट्रेटा हार्ड होता जाएगा, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेबर को हमारे, तो लेबर की कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से हमें रेट अलग अलग क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। अब आप लोग देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 2 लिख देता हूं, इधर मैंने 2 लिख दिया हाइट में, क्योंकि हाइट ऑफ एक्सकवेशन 2 है, तो यहां पर आंसर है 174.24, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट शीट में मैंने क्या किया, यहां पर 1.5 मीटर तक एक डाटा और 1.5 मीटर तक का एक डाटा। अब देखिए यहां पर अब मैं इक्वल टू प्रेस करके 130.680 प्लस 43.560 करता हूं तो 174.240 जो कि एस्टिमेशन शीट में 2 मीटर का सेम डाटा था, लेकिन इस 1.5 मीटर का अलग रेट है और इस अबव 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से कितना भी आगे उसका डिफरेंट रेट होगा। अब देखिए आप बिल ऑफ क्वांटिटी में मैं आया तो यहां लिखा है एक्सकवेशन फॉर ऑल टाइप्स एंड साइजेस ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस एंड ड्रेन्स और फॉर एनी अदर पर्पस, मतलब किसी भी कारणवश मैंने एक्सकवेशन किया अपने साइट पर,
इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ एक्सकवेटेड स्टफ अप टू 1.5 मीटर लिफ्ट एंड लीड अप टू 50 मीटर 50 मीटर दूरी तक ले जाना, जैसा कि साइट क्लीनिंग में पढ़ाया था आपको। तो इसने क्या कहा, 1.5 मीटर तक ही हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। उसका पैसा है ₹185 पर क्यूबिक मीटर। 130.68 मेरा कहां से आया आंसर, एब्स्ट्रैक्ट शीट से आया। एब्स्ट्रैक्ट शीट से मैंने पुट अप कर दिया कहां पे, अपने बिल ऑफ क्वांटिटी वाले पार्ट में। तो आंसर आ गया ₹24,175.80 यहां पे मुझको मिलेंगे, कहां पे, एक्सकवेशन करने के 1.5 मीटर तक। लेकिन मैंने तो एस्टिमेशन शीट में आप देखेंगे जाकर 2 मीटर का एक्सकवेशन दिया है, तो बचा हुआ 0.5 मीटर का कितना आंसर होगा। देखिए यहां पर एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल लिफ्ट ऑफ 1.5 मीटर और पार्ट देयर ऑफ, तो यहां पर क्या होता है, हमको ₹26.50 एक्स्ट्रा मिलते हैं और जो हमें मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ में ₹26.5 एडिशनल कॉस्ट है। तो एडिशनल कॉस्ट क्या कर दिया हमने, एड ऑन कर दिया, तो ₹211.5 पर क्यूबिक मीटर मुझे आगे के पार्ट के मिलेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीटली एक्सकवेशन वाला पार्ट था। अब एक्सकवेशन के बाद आपको एक पार्ट और बताता हूं मैं यहां पर, ये पार्ट आपका जरा समझिएगा किस चीज का पार्ट मैं बता रहा हूं। 1.18 crore प्रोवाइडिंग एंड फिलिंग इन प्लिंथ विद सैंड क्रशर डस्ट हार्ड रूम अंडर फ्लोर्स इन लेयर, मतलब ये कह रहा है कि आपको प्रोवाइड करना है, फिल करना है, कहां पर, प्लिंथ लेवल तक, विद सैंड से कर सकते हैं, क्रशर डस्ट से कर सकते हैं या हार्ड रूम से कर सकते हैं, किसी भी चीज से आप फिलिंग करोगे। अंडर इन लेयर नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब आप जब फिलिंग करेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि एक लेयर आपकी बस 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की ना हो। 20 सेंटीमीटर होने के बाद आपको वाटर डलवा के उसको डिपॉजिट करना है लेयर को, रैमिंग करवाने, रैमिंग मतलब उसको कॉम्पैक्ट कराना है जिससे सैंड अच्छे तरह से बैठ सके, मुरूम अच्छे तरह से बैठ सके नीचे। इसलिए हमें यह हार्ड स्टार्टअप प्रोवाइड करने के लिए करना पड़ता है यह काम 20 सेंटीमीटर लेयर वाला। ये हमारे सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और आईएएस कोड इशू किया इस वाले कोड को कि 20 सेंटीमीटर की लेयर के बाद दूसरी लेयर डालने से पहले आप इस काम को जरूर कराएं, ठीक है, जिससे आपको एक अच्छा बेस प्रोवाइड होगा। तो ये जो फॉर्मेट आप लोग देख रहे हैं, ये फॉर्मेट हम अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी का खजाना कोर्स में तो सॉल्व आउट कराते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड की जिसमें कंप्लीटली मैंने आपको बताया यहां पर। और साथ में इवनिंग में जो वीडियो आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें आपको इस ग्राउंड बीम लेआउट ड्रॉइंग का कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका रेट लेते हैं, एसओआर में क्या रीड आउट करना पड़ता है, यहां पर क्या बातें लिखी गई हैं, जैसा कि मैं यहां पर जूम करके दिखाऊं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोट्स वाला फॉर्मेट, क्योंकि जब भी हमें ड्रॉइंग मिलेगी हमें नोट्स पढ़ना बेहद ही जरूरी है हमारे लिए। तो यहां पर आप देखेंगे जितनी भी डिटेलिंग दी गई है, इसको मैं इवनिंग में जो वीडियो लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, वो उसमें आपको कंप्लीटली मिलेगा। शाम में बने रहिएगा दोस्तों उस वीडियो के लिए। दोस्तों आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और साथ में वीडियो पे इतने लाइक दो, जब भी मैं समझ पाऊंगा ये टॉपिक आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।